नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। आज धरती पर पधारे हैं नारायण और प्रभु अपने भक्तों को दे रहे हैं दर्शन। भगवान विष्णु से कृपा पाने का एक आसान रास्ता बद्रीनाथ से होकर जाता है और धरती पर वैकुंठ माने जाने वाले बद्रीनाथ धाम के कपाट आज खुल गए हैं। यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ धाम होते हुए भक्तों के जत्थे बद्रीनाथ धाम पहुंच गए हैं। इसलिए जो मांगना है प्रभु से वो मांग लीजिए, क्योंकि नारायण के धाम से कोई खाली हाथ नहीं जाता। तो चलिए सबसे पहले देखिए चार धाम में क्यों खास है भगवान बद्रीनाथ के दर्शन। माथा टेक रहे हैं बद्री का आश्रम। इस धरती का नारायण का सबसे पहला स्थान है, भगवान का वैकुंठ कहलाता है। ये वो स्थान है जहां व्यक्ति को हमारे चार धाम में से भी एक है, एक बार भी व्यक्ति अपने नारायण के स्वयं जाके दर्शन कर ले तो वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। आज सुबह भक्त और भगवान के बीच की दूरी खत्म हो गई। गंगोत्री, यमुनोत्री और बाबा केदारनाथ धाम के बाद अब बद्री विशाल के भी दर्शन श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। देखिए, कपाट खुलने की हमारे यहाँ जो व्यवस्था है वो मुहूर्त निकाले जाते हैं और वहाँ के जो राजा हैं उनके राज पुरोहित इस व्यवस्था को निकालते हैं। तो जैसे केदारनाथ जी का अक्षत तृतीया को होता है, उसके बाद का जो अगला स्वयं सिद्ध मुहूर्त निकाला जाता है उस दिन वहां पर बद्रिकाश्रम के भी कपाट खोले जाते हैं। तो 12 मई को भगवान नारायण के सामान्य जन के दर्शन के लिए कपाट के खोलने की परंपरा की जाएगी। चारों ओर से ऊंची ऊंची विशाल हिम शिखरों के बीच अलकनंदा के तट पर विराजित भगवान बद्री विशाल का भव्य मंदिर धरती का वैकुंठ धाम है। सतयुग में इस तीर्थ को मुक्ति प्रदा कहा गया, द्वापर में विशाला तीर्थ पुकारा गया। कलयुग में बद्री का आश्रम या बद्रीनाथ धाम कहलाया। भगवान बद्रीनाथ के दरबार में 6 महीने ही पूजा आराधना होती है। शीतकाल के 6 महीने इस धाम के कपाट बंद रहते हैं। इन 6 महीनों में भगवान बद्री विशाल की आराधना देवगण करते हैं, यानी आज से खत्म हो गई देवगणों की ओर से भगवान नारद की पूजा और आज से ही शुरू हो गई है आम जनों की पूजा। जब कली काल आरंभ हुआ तो कली का प्रभाव इस प्रकार है कि कोई भी देवी देवता भगवान को दर्शन करने नहीं जा सकते या सशरीर दर्शन नहीं दे सकते इस धरती पे। तो भगवान ने व्यवस्था करी कि 6 माह तो देवता पूजन करते और 6 माह इसमें सामान्य मनुष्य भगवान के दर्शन और पूजन करते हैं। तो बद्रिकाश्रम में जब कपाट खुलते हैं तब मनुष्यों के लिए और जब कपाट बंद होते हैं उसके पश्चात देवताओं के दर्शन का ऐसा माना जाता है। पुराणों, तो विष्णु पुराण में स्पष्ट वर्णन है कि 6 माह देवता पूजा करते हैं, 6 माह
मनुष्य पूजा करेंगे। आज सुबह पूरे विधि विधान के साथ श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए। कपाट खुलने के बाद भगवान बद्रीनाथ जी की उत्सव मूर्ति उद्धव जी मंदिर में प्रवेश करती है और मां लक्ष्मी जी मंदिर से बाहर आ जाती हैं। यात्रा काल के दौरान मंदिर के बगल में 6 महीने लक्ष्मी मंदिर में मां लक्ष्मी विराजमान रहती हैं। शीत काल में मां लक्ष्मी बद्रीश पंचायत में बद्री विशाल के साथ रहती हैं। उद्धव जी पांडुकेश्वर के योग ध्यान बद्री मंदिर में रहते हैं। उद्धव जी भगवान बद्री विशाल के बड़े भाई हैं। बद्रीनाथ के इसी धाम में मां गंगा अलकनंदा बनकर भगवान का अभिषेक करती हैं। कहा जाता है कि इस भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति को शंकराचार्य ने करीब 8वीं सदी में नारद कुंड से लाकर मंदिर में स्थापित किया था। यह 4 धाम में से एक प्रमुख धाम माना जाता है। हिमालय की पर्वत श्रेणी में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। यह मुख्य रूप से भगवान विष्णु का मंदिर है। यहाँ नर और नारायण की उपासना की जाती है। यहाँ भगवान को विशेष भोग लगाया जाता है। वन तुलसी की माला, चने की कच्ची दाल, गिरी का गोला और मिश्री आदि का प्रसाद चढ़ाया जाता है। ये मंदिर 3 भागों में विभाजित है, गर्भगृह, दर्शन मंडप और सभा मंडप। कहते हैं भगवान विष्णु से कृपा पाने का एक आसान रास्ता बद्रीनाथ से होकर जाता है। तो शुरू हो गई है बद्रीनाथ धाम की यात्रा और बद्रीनाथ में श्री हरि विष्णु कर रहे हैं अपने भक्तों का इंतजार। आगे हम आपको बताएंगे बद्रीनाथ धाम से जुड़े कुछ खास तथ्य। ऊंचे पहाड़ों पर बसे बद्रीनाथ धाम, जहां नर नारायण के रूप में श्री हरि अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। बद्रीनाथ धाम में नर और नारायण की पूजा होती है। बद्रीनाथ धाम की महिमा ऐसी है कि यहां आने वाले हर भक्त की मुराद पूरी करते हैं नारायण। इस पावन धाम से जुड़ी कई ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जो इसे खास बनाती हैं। प्रभु की एक झलक पाने की ललक, अपने आराध्य के दर्शनों की कामना आज पूरी हो गई। जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु का पवित्र धाम है बद्रीनाथ, वो धाम जहां प्रज्वलित है आस्था की सबसे प्रखर ज्योति। कहते हैं कि यह न केवल भगवान विष्णु का निवास स्थान है, बल्कि ज्ञान की खोज में आए तीर्थयात्रियों, साधु संतों का घर भी है। ये नर नारायण 2 पर्वत हैं, जिसमें नारायण के भगवान अवतरण होने के पश्चात में पितरों को भी मोक्ष देते हैं और व्यक्ति के जीवन में जितने भी आने वाले किसी प्रकार के त्रिविधिक दोष हैं, उनको दर्शन मात्र से नष्ट कर देते हैं। मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु के साथ नर नारायण की मूर्ति भी स्थापित है। कहते हैं इन्हें स्पर्श करने का अधिकार केवल केरल के पुजारी को होता है। मान्यता है कि रावल ही इस मूर्ति को छू सकते हैं। यह आस्था का वो धाम है जहां भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी के साथ निवास करते हैं। बद्रीनाथ के मंदिर में नर और नारायण के विग्रह को पूजा जाता है। बद्रीनाथ धाम का महत्व कितना और क्यों है, ये तो आपने समझा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्री हरि विष्णु के धाम की खासियत क्या है? मंदिर परिसर में 15 मूर्तियां हैं। इनमें सबसे प्रमुख है भगवान विष्णु की मूर्ति। भगवान की मूर्ति 1 मीटर ऊंची काले पत्थर की है। यहां भगवान विष्णु ध्यान मग्न मुद्रा में सुशोभित हैं, जिसके दाहिने ओर कुबेर, लक्ष्मी और नारायण की मूर्तियां हैं। भगवान बद्री की ध्वजा धर्म ध्वजा है और ये माना जाता है कि पूरे देश में जितना सनातन धर्मी है, जिधर ध्वजा चलेगी, जो ध्वजा की स्थिति होगी, वो सनातन धर्म और इस भारत वर्ष की स्थिति बनेगी, इसलिए वो हमारे धर्म का प्रतीक है।
उत्तराखंड के अलकनंदा नदी के तट पर नर और नारायण नामक दो पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित बद्रीनाथ को भी एक धाम ही माना जाता है। धरती का बैकुंठ कहे जाने वाले इस धाम के पीछे एक लंबा पौराणिक इतिहास है। माना जाता है कि यहाँ की प्रतिमा की स्थापना सबसे पहले देवताओं ने की थी। बौद्धों ने काफी समय तक इसकी पूजा भगवान बुद्ध के रूप में की। बाद में शंकराचार्य ने अलकनंदा नदी से इस मूर्ति को निकालकर स्थापित किया। सबसे अंत में रामानुजाचार्य ने तप्त कुंड में से इस मूर्ति को पुनः स्थापित किया। माना जाता है कि यहाँ अगर ध्यान और तपस्या की जाए तो मुक्ति और मोक्ष। सारे कष्ट तो श्रीहरि यूं ही करते रहें अपने भक्तों को निहाल, यही हमारी भी प्रार्थना है। इसी प्रार्थना के साथ फिलहाल हम लेंगे इजाजत। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा जीएनटी।